सो गाइस 25,000 के बजट में आज मैं आपको टॉप 5 बेस्ट एंड पावरफुल स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि सभी फोन्स काफी पावरफुल वैल्यू फॉर मनी फीचर के साथ मिलने वाले हैं एंड इनके फीचर्स तो काफी तगड़े हैं। लाइक 144Hz की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 120W हाइपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 200MP वाला ESOI सपोर्ट के साथ कैमरा जिससे काफी अच्छे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, लाइक फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से 4K में 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, प्लस एक पावरफुल तगड़ा किलर लेवल का गेमिंग प्रोसेसर मिलेगा विथ 1.5 मिलियन एंटूथू स्कोर के साथ जिससे 90fps गेमिंग कर पाओगे, 12GB की रैम, 256GB की स्टोरेज एंड ऐसा ही बहुत सारे तगड़े फीचर्स है सभी फोन्स में। तो वीडियो काफी धमाकेदार शानदार होने वाली है, सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं सभी फोन्स को रैंकिंग के अंदर ऐड किया है स्मार्टफोन्स को, यानी हम लिस्ट के नंबर 5th से नंबर 1 तक जाएंगे एंड इसी में जो लिस्ट का सबसे आखिरी एंड नंबर 5 पर जो स्मार्टफोन आता है ये है रियलमी का 12 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन। सो अगर आपको 25,000 के बजट में एक अच्छा कैमरा, अच्छा डिस्प्ले एंड इवन प्रीमियम डिजाइन चाहिए, डेफिनेटली स्मार्टफोन को कंसीडर डेफिनेटली कर सकते हो, 25,000 के अंदर मिल जाएगा। वैसे क्या स्पेसिफिकेशन है आइए देखते हैं। तो स्मार्टफोन वीगल लेदर बैग के साथ आता है जिसका प्लास्टिक का फ्रेम मिलेगा, जिसका 8.7mm की थिकनेस मिलती है विद 196g फोन के वेट के साथ। स्मार्टफोन का लुक और डिजाइन अच्छा मिल जाता है, प्रीमियम डिजाइन है, डेफिनेटली डिजाइन काफी अच्छा लगेगा। खैर IP65 का रेटिंग भी मिलता है, यानी अच्छा खासा पानी के छींटे और डस्ट से बचा लेगा फोन को। लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ आता है जो कि रियलमी UI 5.0 पर बेस्ड है। ड्यूल सिम कार्ड स्लॉट भी मिलेगा, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी है, प्लस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी एंड 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है जो कि काफी फास्ट चार्ज करता है, लाइक 0 to 15, 19 मिनट के अंदर चार्ज करता है। सो काफी फास्ट चार्जर भी दिया है, एक दिन का आराम से बैटरी लाइफ मिल जाएगा। बाकी सबसे अच्छी बात फोन का डिस्प्ले काफी बढ़िया मिलता है, प्रीमियम कर्व्ड 6.7 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है विथ 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, 240Hz की टच स्पील ग्रेड, 915 स्पीक ब्राइटनेस लेवल एंड सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन का डिस्प्ले पार्ट काफी बढ़िया है, जब फोन में वीडियोस चलाओगे कलर्स आपको डेफिनेटली काफी अच्छे मिलेंगे एंड काफी अच्छा प्रीमियम डिस्प्ले है। कैमरास की बात करें तो ये काफी बढ़िया मिलता है, लाइक बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें से 50MP का मेन OIS के सपोर्ट के साथ मिल जाएगा, 8MP का अल्ट्रावाइड भी सेंसर मिलता है, बट सबसे अच्छी बात 64MP का पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा सेंसर है, सोनी IMX 890 वाला सेंसर यूज भी है, ऑल्सो 32MP का सेल्फी कैमरा भी मिलता है और फ्रंट कैमरा आपको सोनी IMX 615 सेंसर के साथ आता है। इवन सबसे अच्छी बात बैक से 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन का जो कैमरा पार्ट है काफी बढ़िया मिलेगा, चाहे फोटोस हो या फिर वीडियो डेफिनेटली आपको काफी कमाल के मिलेंगे। अगर आप रियलमी का ही एक 25,000 के अंदर सबसे अच्छा फोन के तलाश में हो, जहाँ पर अच्छा कैमरा हो, डेफिनेटली फोन को ले सकते हो। इवन जो फोन का प्रोसेसर है ये भी अच्छा मिलता है, लाइक कोलकम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला चिपसेट यूज है, 4nm पर बेस्ड है, जिसका 6.5 लाख से ज्यादा एंटूथू स्कोर मिल जाएगा, डे टू डे लाइफ में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी एंड मीडियम लेवल की गेमिंग कर पाओगे। तो फीचर्स तो अच्छे मिल जाते हैं। खैर फाइनल फोन के प्राइस की बात करें तो 8256 25999 में मिल रहा है, बट किसी भी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पर 2000 रुपए का डेफिनेटली डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आसानी से स्मार्टफोन को 24,000 के बजट में खरीद पाओगे एंड इस प्राइस में एक अच्छा रियलमी का गुड लुकिंग डिजाइन, अच्छा डिस्प्ले प्लस अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, कंसीडर डेफिनेटली कर सकते हो। वैसे गाइस जो स्मार्टफोन को मैं बताऊंगा उनके बाय लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से लेटेस्ट प्राइस जरूर चेकआउट करना क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। तो दोस्तों अब जो लिस्ट का नंबर 4th पर स्मार्टफोन आता है ये भी एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, लाइक 25,000 के अंदर ऑल राउंडर फीचर लेके आता है, कंसीडर डेफिनेटली कर सकते हो, जो कि रेडमी का नोट 13 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन आता है। नॉर्मली स्मार्टफोन 30,000 के आसपास मिलता है,
एंड अभी तो 25,000 के नीचे मिल रहा है। एंड इस प्राइस में 200 मेगापिक्सल का कैमरा, IP68 का रेटिंग, प्रीमियम डिजाइन, अच्छा कैमरा एंड ओवरऑल काफी अच्छे तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। तो क्या फीचर्स है आइए देखते हैं। सो स्मार्टफोन प्रीमियम वीगल लेदर बैग के साथ आता है, काफी अच्छा लुक के साथ आएगा, जिसका 8.9 mm की थिकनेस मिलती है विथ 199 ग्राम फोन के वेट के साथ। लुक एंड डिजाइन बहुत ही अच्छा है। इवन सबसे अच्छी बात, IP68 का रेटिंग मिलता है, यानी वाटरप्रूफ स्मार्टफोन है एंड प्रीमियम लुक एंड डिजाइन देखने को मिलता है। इवन स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 के साथ आएगा, जो कि MIUI 14 पर बेस्ड है। 3 मेसेज ओएस अपडेट्स एंड 4 सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो 10 5G बैंड का सपोर्ट, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स एंड ड्यूल 5G सिम कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। खैर सबसे अच्छी बात, स्मार्टफोन का बैटरी 5000 mAh की मिलती है, जो कि 120 वॉट हाइपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, जो कि आधे घंटे के अंदर आराम से 0-100% फुल्ली चार्ज करता है फोन को। तो काफी फास्ट चार्जर देखने को मिलता है एंड एक दिन का आराम से बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली काफी फास्ट चार्जर भी दिया है। एवं सबसे अच्छी बात, स्मार्टफोन का डिस्प्ले भी काफी बढ़िया मिलता है, लाइक 25,000 के अंदर बहुत ही कमाल का डिस्प्ले है, जो कि 6.67 इंच की 1.5K 12-bit वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है AMOLED डिस्प्ले पैनल के साथ, जो कि एक कर्व्ड डिस्प्ले है। एवं सबसे अच्छी बात, Dolby Vision का सपोर्ट एंड HDR 10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले है। तो फोन में जो कलर्स है वो सबसे अच्छे एंड तगड़े देखने को मिलते हैं एंड इवन काफी पतले बेजल से। सबसे अच्छी बात, Corning Gorilla Victus का प्रोटेक्शन भी मिलता है, तो काफी सॉलिड डिस्प्ले है। इवन 120Hz की एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 240Hz टच स्पीड ग्रेड एंड अप टू 1800 निस्पीक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है डिस्प्ले। सो फोन का डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, कंटेंट वॉचिंग के लिए तो काफी अच्छा डिस्प्ले है। इवन सबसे अच्छी बात, फोन का कैमरा भी काफी अच्छा मिलता है, लाइक बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें से प्राइमरी 200 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है ESOS सपोर्ट के साथ एंड जो प्राइमरी सेंसर है सैमसंग के सेंसर के साथ आता है। खैर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिलता है। इवन जो फोन का सेल्फी कैमरा है ये 16 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। खैर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो स्मार्टफोन का मेन कैमरा 4K 30fps एंड फ्रंट का कैमरा 1080p 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। दोस्तों 25,000 के अंदर के हिसाब से फोन का कैमरा काफी अच्छे फोटोस एंड वीडियो निकाल के देता है, चाहे लो लाइट हो या फिर डे लाइट, दोनों में अच्छे फोटोस आ जाते हैं। डेफिनेटली स्मार्टफोन का कैमरा पार्ट काफी बढ़िया मिलता है, लाइक जिस प्राइस में मिल रहा है। वैसे इवन जो स्मार्टफोन का प्रोसेसर पार्ट है ये भी अच्छा मिलता है, लाइक MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा वाला 5G चिपसेट यूज है, जो कि 4N पर बेस्ड है। 730,000 प्लस एंटीटू उसको निकाल के दे देगा। LPDDR5 RAM, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ 60fps पर गेम प्ले करवा देगा। वेपर कूलिंग चैम्बर भी मिलता है, यानी फोन ज्यादा हीट और लेक नहीं होगा। सो फोन का प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है। वैसे फाइनल फोन के प्राइस की बात करें तो 8256 अभी के टाइम में 24,206 रुपीस में मिल रहा है अभी के टाइम में, बिना किसी डिस्काउंट के। एंड इस प्राइस में काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, कंसीडर डेफिनेटली कर सकते हो, काफी बढ़िया स्पेक्स के साथ आता है, काफी अच्छा स्मार्टफोन है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यहाँ तक वीडियो देखा एंड अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए अब बढ़ते लिस्ट के आगे एंड बात कर लेते हैं अगले स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों लिस्ट का अगला यानी नंबर 3rd पर जो स्मार्टफोन आता है, ये एक वन ऑफ द लेटेस्ट एंड बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ आता है। खासकर फोन का प्रोसेसर काफी बढ़िया मिलता है, जो कि इन्फिनिक्स का 040 5G स्मार्टफोन आता है। ये स्मार्टफोन 25,000 के आसपास मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ आता है। वेल सबसे पहले डिजाइन से बात करें तो कंप्लीट प्लास्टिक पर ही फोन मिलता है, जिसका 7.9 mm की थिकनेस एंड 195 ग्राम फोन का वेट मिलता है। लुक एंड डिजाइन में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। खैर हल्का फुल्का पानी के छींटे से बचाने के लिए IP54 का रेटिंग मिलता है। इवन सबसे अच्छी बात, लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा, जो कि XOS 14.5 पर बेस्ड है, 2+3 मेजर ओएस अपडेट्स के साथ। सबसे अच्छी बात, स्मार्टफोन के स्पीकर्स काफी अच्छे मिलते हैं, लाइक ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स है JBL के साउंड के साथ एंड स्पीकर की क्वालिटी अच्छी मिलती है। बाकी ड्यूल सिम कार्ड स्लॉट मिलेगा और SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता। बाकी स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी एंड 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। सबसे अच्छी बात, 20W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है एंड काफी फास्ट चार्जर भी है, लाइक 0-100% 60 मिनट के अंदर फुल रिचार्ज होता है एंड एक दिन का बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाएगा, तो बैटरी वगैरह अच्छा मिलता है। एवन जो स्मार्टफोन का डिस्प्ले पार्ट है ये काफी अच्छा मिलता है, लाइक सबसे पहले एक काफी बड़ी सी 6.78 इंच की 10-bit वाला AMOLED डिस्प्ले मिलता है फुल HD+ के साथ।
फोन के जो कलर्स है वो काफी बढ़िया मिलते हैं एंड इवन एसडीआर 10 प्लस सर्टिफाइड भी है, यानी फोन के जो कलर्स है वो काफी अच्छे मिलेंगे। इवन कोल्डिंग गोला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलता है, 144Hz की अडैप्टिव रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो काफी स्मूथ चलेगा एंड काफी फास्ट रिफ्रेश रेट भी है। 360Hz पिक रेट और 1319 अप टू पिक ब्राइटेस्ट लेवल के साथ आता है डिस्प्ले। तो फोन का डिस्प्ले बड़ा है एंड कलर्स भी अच्छे मिलते हैं, फोन का डिस्प्ले अच्छा रहेगा। कैमरास की बात करें तो बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का है सैमसंग के सेंसर के साथ, ESOS का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का मिल जाएगा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। खैर सबसे अच्छी बात स्मार्टफोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि ये भी सैमसंग के सेंसर के साथ आता है। एंड इनसे भी सबसे अच्छी बात ये है कि फोन का जो कैमरा के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है ये काफी तगड़ा मिलता है। लाइक फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से 4K में 60fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। एंड चाहे ब्लॉगिंग के लिए कैमरा फोन ढूंढ रहे हो या फिर फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, डेफिनेटली ये एक काफी अच्छा कैमरा के साथ आता है। फोटोज एंड वीडियो काफी अच्छे आएंगे, चाहे लो लाइट हो या फिर डे लाइट अच्छे फोटोज निकाल देता है। सो डेफिनेटली फोन का कैमरा पार्ट काफी बढ़िया मिलता है। इवन जो स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस है ये काफी तगड़ा मिलता है। लाइक MediaTek Dimensity 8200 अल्टीमेट 5G चिपसेट के साथ आता है प्रोसेसर जो कि 4nm पर बेस्ड है एंड ये जो प्रोसेसर है 1 मिलियन के आसपास एंतोतोस को निकाल के देगा। सबसे अच्छी बात LPDDR5X RAM लेटेस्ट के साथ आता है जो कि UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ आएगा। आराम से 60fps गेमिंग भी कर पाओगे। बाकी 12GB की वर्चुअल रैम मिलेगी, एडवांस लेवल का वेपर कूलिंग चैम्बर भी दिया है, यानी गेमिंग करते वक्त फोन ज्यादा हीट और लैग भी नहीं होगा। तो ओवरऑल स्मार्टफोन का प्रोसेसर पार्ट काफी तगड़ा मिलता है, गेमिंग के लिए भी एक काफी अच्छा स्मार्टफोन बन जाता है। बाकी 14 5G बेस का सपोर्ट, वाईफाई 6E का सपोर्ट, NFC एंड IR ब्लास्टर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन के फीचर्स तो काफी तगड़े हैं एंड अगर फाइनल फोन के प्राइस की बात करें तो 12GB रैम 256GB स्टोरेज के लिए 2799 फोन की प्राइस है, पर किसी भी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पर 1500 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यानी स्मार्टफोन को 26,500 के बजट में खरीद पाओगे एंड इस प्राइस में काफी बढ़िया स्मार्टफोन है जिसे एक बेस्ट कैमरा प्लस ऑलराउंडर फोन चाहिए, डेफिनेटली स्मार्टफोन को कंसिडर जरूर कर सकते हो। तो दोस्तों अब जो लिस्ट का अगला यानी नंबर 2 पर स्मार्टफोन आता है ये एक सबसे अच्छा डिस्प्ले, सबसे अच्छा गेमिंग एंड काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ आता है जो कि ये है पोको का F6 5G स्मार्टफोन। अगर आपको प्रो लेवल की गेमिंग करनी है या फिर एक अच्छा सबसे बेस्ट डिस्प्ले चाहिए, डेफिनेटली स्मार्टफोन को कंसीडर जरूर कर सकते हो। बाकी के फीचर्स भी काफी अच्छे है। वैसे स्मार्टफोन कंप्लीट प्लास्टिक पर आता है जिसका 8mm की थिकनेस एंड 197 ग्राम फोन का वेट मिलता है। बाकी IP64 का रेटिंग मिलता है। सबसे अच्छी बात एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा जो कि हाइपर ओएस पर बेस्ड है, तो ये चीज काफी बढ़िया है। बाकी आयर ब्लास्टर डिल सिम का स्लॉट, डिल स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है डॉल्बी एटमोस सपोर्ट के साथ जिसके स्पीकर्स काफी तगड़े मिलते हैं। बाकी 5000mAh की बैटरी एंड 90W के हाइपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, एक दिन का आराम से बैटरी लाइफ मिल जाएगा। बाकी जो फोन का डिस्प्ले पार्ट है ये काफी तगड़ा मिलता है। लाइक 6.67 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जहाँ पर डॉल्बी विजन का सपोर्ट, HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलता है। एंड सबसे अच्छी बात फोन के बेसल्स भी बहुत ही पतले हैं। बाकी डिस्प्ले के ही अंदर 120Hz की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट मिलेगा, 240Hz बिल्ड रेट, कोल्डिंग गोला ग्लास विक्टेस का प्रोटेक्शन, 2400 इज अप टू पिक ब्राइटेस्ट लेवल एंड सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है डिस्प्ले। तो फोन का डिस्प्ले अच्छा है। कैमरास की बात करें तो बैक में ड्यूल सेटअप मिलेगा जिसमें प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है ESOS सपोर्ट के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलेगा, सोनी के IMX355 सेंसर के साथ आता है, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा। सबसे अच्छी बात स्मार्टफोन का बैक कैमरा 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, बाकी फ्रंट का 1080p 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। फोटोस एंड वीडियो फोन के डिसेंट से अच्छे मिल जाएंगे, प्राइस के हिसाब से अच्छे फोटोस एंड वीडियो निकाल के देता है, बट इस प्राइस में इससे भी अच्छे कैमरे मिल जाते हैं। खैर इसका जो प्रोसेसर है ये काफी तगड़ा मिलता है जो कि इस प्राइस में लगभग कहीं मिलता नहीं है, जो कि काफी पावरफुल किलर लेवल की गेमिंग करवा देगा। स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 चिपसेट के साथ आता है प्रोसेसर जो कि 4nm पर बेस्ड है, जिसका 15 लाख से ज्यादा एंतोतो स्कोर मिल जाएगा, यानी 1.5 मिलियन प्लस एंतोतो स्कोर
90 FPS तक गेमिंग सपोर्ट करता है, जो कि सबसे अच्छी बात लेटेस्ट LPDDR5XM UFS 4.0 का सपोर्ट मिलता है, यानी जो फोन का प्रोसेसर पार्ट है काफी तगड़ा मिलता है। गेमिंग के लिए ये एक काफी तगड़ा चॉइस रहेगा। फाइनल फोन के प्राइस की बात करें तो 8256 23999 में मिल रहा है, 12256 25999 में मिल रहा है, इंक्लूडिंग 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पर, यानी आसानी से 25000 के बजट में खरीद पाओगे। एंड इस प्राइस में काफी अच्छा लेवल का डिस्प्ले एंड अच्छा लेवल का किलर गेमिंग के साथ आता है। बाकी यहाँ स्मार्टफोन्स के बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो जरूर वहां से चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों अब जो लिस्ट का फाइनल नंबर वन स्मार्टफोन आता है, इसे तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, जो कि ऑल राउंड फोन आता है, कंप्लीट फीचर ही लेके आता है, जो कि Realme का GT 65 स्मार्टफोन आता है। यह स्मार्टफोन काफी बढ़िया स्पेक्स के साथ आता है, चाहे वो डिस्प्ले हो या फिर कैमरा या फिर प्रोसेसर हो या फिर बैटरी, सभी बढ़िया मिलते हैं, ओवरऑल काफी बढ़िया स्पेक्स है। आइए देखते हैं। तो स्मार्टफोन कंप्लीट प्लास्टिक पर आता है, जिसका 8.65 mm की थिकनेस मिलती है विथ 191 ग्राम फोन के वेट के साथ। लुक एंड डिजाइन बहुत ही अच्छा मिलता है, डेफिनेटली डिजाइन काफी पसंद आएगा। बाकी IP65 का रेटिंग मिलेगा। सबसे अच्छी बात लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 के साथ मिलता है, जो कि Realme Wi-Fi 5.0 पर बेस्ड है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेगा, जो कि डॉल्बी एटमोस सपोर्ट के साथ आता है, तो स्पीकर्स की क्वालिटी भी काफी सॉलिड है। इवन डुअल सिम कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। बाकी स्मार्टफोन का जो बैटरी पार्ट है ये काफी तगड़ा मिलता है, लाइक 5500 mAh की बैटरी है विथ 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो फोन का बैटरी काफी बड़ा है, काफी फास्ट चार्ज करता है, 1 से 1.5 दिन का आराम से बैटरी लाइफ मिल जाएगा। तो फोन का बैटरी भी काफी सॉलिड है। इवन जो स्मार्टफोन का डिस्प्ले है ये काफी तगड़ा मिलता है, जो कि बिग 6.78 इंच की LTPO 1.5 के क्वाड AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 10 बिट वाला 8K डिस्प्ले मिलता है विथ 1.07 बिलियन कलर्स के साथ। सबसे अच्छी बात कोलिंग गोला ग्लास विक्टेस 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। इवन 120Hz की रिफ्रेश रेट, 2500Hz टच रिफ्रेश रेट एंड 6000 इज अप टू पिक ब्राइटनेस लेवल के साथ आता है डिस्प्ले। तो फोन का डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट एंड सॉलिड देखने को मिलता है। इवन जो स्मार्टफोन का कैमरा पार्ट है ये काफी अच्छा मिलता है, लाइक पैक में ड्यूल सेटअप है, जिसमें से प्राइमरी 50 MP का मिलेगा OIS के सपोर्ट के साथ, जो कि सोनी LYT 600 सेंसर के साथ आता है। 8 MP का अल्ट्रावाइड सेंसर भी यूज है, जो कि ये भी सोनी IMX355 सेंसर के साथ आता है। इवन 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। एंड जो स्मार्टफोन का सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट, क्योंकि चाहे बैक हो या फिर फ्रंट, दोनों साइड से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। एंड जो बैक कैमरा है ये तो 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, 25000 के हिसाब से देखें तो अच्छे फोटोस एंड वीडियो निकाल के देता है। बाकी जो स्मार्टफोन का हाईलाइटिंग पॉइंट है, यानी फोन का प्रोसेसर, ये काफी तगड़ा मिलता है, जो कि Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 वाला चिपसेट यूज है, 4nm पर बेस्ड है, जिसका 1.5 मिलियन एंटूटू स्कोर मिल जाएगा, यानी 15 लाख से ज्यादा एंटूटू स्कोर है, और 90 FPS तक गेमिंग भी सपोर्ट करता है LPDDR4XM UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ। तो गेमिंग के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन ऑल राउंड फीचर लेके आता है, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। फाइनली फोन के प्राइस की बात करें तो 8128 29999 में मिल रहा है, पर Amazon से बाय करोगे तो 4250 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आराम से स्मार्टफोन को 25500 के बजट में खरीद पाओगे। एंड इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट एंड तगड़ा स्मार्टफोन है, कंसीडर डेफिनेटली कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो थे हमारे वो 5 सबसे पावरफुल स्मार्टफोन जिन्हें 25000 के अंदर खरीद पाओगे। बाकी आप कौन सा फोन लेना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपका बजट ही कुछ और है तो इन वीडियोस को भी देख सकते हो।